आज इस प्रोग्राम का जो मेरे सरप्रस्त हैं हमारे हजरत मौलाना याकूब साहब और साथ में हमारे इस मदरसे के जो उलमा हमारे दोनों लोग हैं जो नन्हे मुन्ने बच्चों को तालीम से रूबरू करा रहे हैं, मैं उनका भी शुक्र अदा कर रहा हूँ। और मंच पर बैठे हमारे चचा जनाब इस गांव के प्रधान मोहम्मद सलाम खान साहब और बड़े भाई मोहम्मद सफी साहब और मंच पर हमारे बहुत लोग बैठे हुए हैं, बुजुर्ग लोग सरपरस्त हैं हमारे और सामने हमारे नौजवान साथी और हमारे प्यारे बच्चे। मैं बात को मुख्तसर रखूंगा, ज्यादा लंबी नहीं ले जाऊंगा। और ये जो आज की यूं में पैदाइश का जश्न मनना है, इससे हमको आज बहुत खुशी मिली। कहना मैं ये चाहता हूँ कि मैं उन पाप नामों का नाम नहीं ले सकता अपनी जबान से जो इस देश के लिए कुर्बान हुआ। अगर नाम होगा तो सुबह से शाम हो जाएगा और मैं नाम नहीं ले सकता। इसलिए मैं एक पाप नाम से इस प्रोग्राम का आगाज करने जा रहा हूँ जिनका नाम है अल्लामा इकबाल साहब। उन्होंने एक नज्म हिंदुस्तान को दी है, वो आज भी हमारे नौजवान बच्चे सभी की जुबान पर आती है। उस नज्म का कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलशिता हमारा। हिंदी है हम वतन ये हिंदुस्तान हमारा, मजहब नहीं छिपाता आपस में बैर रखना, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो मैं इन चंद लाइनों का थोड़ा सा असर में आपको बताना चाहता हूँ कि उस दौर की नज़म है जो आज भी हिंदुस्तान के कोने कोने में गूंज रही है। इसका इसी तरीके से इस नज़म का मजमून उसका मतलब फिर इतना है कि जिस तरीके से इस हिंदुस्तान को एक चहती में सजोकर हमारे बुजुर्गों ने रखा है और हमको दिया है आज़ादी की वो सुहा, इसमें आज सांस ले रहे हैं। मैं यही चाहता हूँ उसी तरीके से इस गांव में भी आज़ादी की तरह जैसे मतलब गुलदस्ता तैयार किया है हिंदुस्तान के हमारे बुजुर्गों बड़ों ने, उसी तरीके से इस गांव में गुलदस्ता तैयार हो जिसमें सारे तरह के फूल खिले और थोड़ा सारी तरह की खुशबू आनी चाहिए। ये जो हमारे मंच पर हमारे बुजुर्ग नौजवान जो बैठे हैं, ये गुलदस्ता की वो साख है, ये अधूरी जब तक रहेंगे कि जब तक इसके नौजवानों जैसी साख नहीं शामिल होगी। जब नौजवानों की इसमें साख शामिल हो जाएगी तो ये नन्हे मुन्ने बच्चों का जो फूल है रंग बिरंगे रंगों से रंगा हुआ है, तब जाकर इस गुलदस्ते से खुशबू आएगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ और मैं इस बात की दुआ करता हूँ कि इस मदरसे को दिन दुनी और रात चौकनी तरक्की देता हूँ और इस गांव में मेहती का और आम का शांति का पैगाम पैदा हो। हिंदुस्तान जिंदाबाद।